सबसे पहले तो जय भीम, जय वाल्मीकि। तो यहाँ मैं दरअसल कुछ बोलने नहीं आई थी, मैं सिर्फ सुनने आई थी और रावण जी ने मंच पे पहुँचा दिया। तो आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। मंच पर बैठे सब लोग, रावण जी, निवेदिता जी, तमसा, अनुज, अंबुज और ललन, तो जैसा मैंने कहा कि मैं यहाँ सच में कुछ बोलने नहीं आई थी, सिर्फ सुनने ही आई थी आप लोगों को। और आप सबकी बातें सुन के ये लगा कि दरअसल सच में कहने को बहुत कुछ है नहीं, आप सब कह ही चुके हैं। और मुख्य रूप से मुझे ऐसे लगा कि जो दो कहानियाँ उभर के आईं, या शायद ये कह सकते हैं कि ये दो नज़रिए हैं शिक्षा को देखने के, और ये दो कहानियाँ हम, एक कहानी तो हमें आज निवेदिता जी ने सुनाई और दूसरी हम पहले से जानते हैं। वो कहानी एक एकलव्य की कहानी है और दूसरी निकारागुआ की साइन लैंग्वेज की कहानी। तो जहाँ एक कहानी हमें ये बताती है कि शिक्षा जब किसी सत्ता या किसी राजा के द्वारा संचालित होती है तो वो अर्जुन को आगे बढ़ाना चाहती है, एकलव्य को नहीं। तो एकलव्य से वो अंगूठा चाहती है, और इस बात को बल्कि नोबल ने इतने अच्छे तरीके से उठाया जब उन्होंने शिक्षा की प्राइवेटाइजेशन की बात की, और उनका जो संघर्ष रहा वो इतना इतना प्रेरणादायक है हम सब के लिए कि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बात इतनी साफ गोई से, इतनी सीधी सरल भाषा में हमें समझाई कि शिक्षा सिर्फ एक डिग्री नहीं है या डिग्री की चाह नहीं है, इससे हम एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, एक ऐसा आंदोलन जो हमें हमारे जो हक हैं उनको पहचानना सिखाए। और दूसरी कहानी जो निवेदिता जी ने सुनाई कि निकारागुआ में कैसे एक साइन लैंग्वेज का निर्माण हुआ, तो उससे हमें ये पता चला कि नहीं, शिक्षा सिर्फ जोड़ने से नहीं बल्कि तोड़ने से भी मिल सकती है। तो ये आप कह सकते हैं कि दो तरह के उदाहरण हैं कि हम किस तरह की शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, किस तरह की शिक्षा पाना चाहते हैं। और खासकर आज हम जिस समाज में रह रहे हैं जहाँ पर शिक्षा एक तबके के लिए हो गई है, शिक्षा एक संकीर्ण मानसिकता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और ऐसी हो गई है जहाँ पर कि किसी स्टूडेंट के टैलेंट से घबरा कर उसका अंगूठा मांगा जाए, ना कि उसे बढ़ाया जाए, तो ऐसी शिक्षा को तोड़ना ही सबसे नेक काम होगा हम सब के लिए। लेकिन इस ऐसी शिक्षा हम कैसे पा सकते हैं, कैसे बनाएंगे हम ये शिक्षा? तो आप लोगों को जब सुना तो ये उम्मीद तो जरूर हुई कि ऐसी शिक्षा का निर्माण हो सकता है और आप ही उसे करेंगे, और उस रास्ते का ब्लूप्रिंट आप कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें दे के भी गए हैं, क्योंकि जब वो कहते हैं कि हमारा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण आज़ादी के लिए है, तो वो हमें जता रहे हैं कि हमें इन संकीर्ण मानसिकताओं और इस तरह की एक एजुकेशन से ऊपर उठना होगा, एक ऐसी शिक्षा की कल्पना करनी होगी जो हमें सोचने समझने, अपनी बात को बेहिचक आगे रखने की प्रेरणा दे।
और ये हमें याद रखना पड़ेगा कि शिक्षा सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं हो सकती, और ये शिक्षा जरूरी नहीं कि हमें क्लासरूम में मिले। वो जैसा उन्होंने कहा कि क्लासरूम के बाहर जाकर के हमें ऐसी शिक्षा को ढूंढना पड़ेगा, और ये शिक्षा जो हमें क्लासरूम के बाहर मिलती है या क्लासरूम के बाहर हम इसे ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, उस शिक्षा के उदाहरण हम देख भी रहे हैं। जिस तरह से पीछे जेएनयू में जो पूरा एक जिस तरह से जेएनयू के ऊपर एक प्रशासन का, सरकार का एक दबाव बना हुआ है, और वहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स को जिस तरह से विक्टिमाइज किया जा रहा है, बावजूद उसके वहाँ से जो आंदोलन उठ रहा है, वहाँ से जो आवाज़ें उठ रही हैं, वो हमें देती हैं प्रेरणा इस बात की कि हमारी आँखों के सामने जो ये हिंदुत्व का एक भयानक राक्षस उभर के सामने आ रहा है, वो उसके खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा हमें मिलती है वहाँ से। और हमें ऐसी ही शिक्षा की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है, जो हमें दिखाए कि हम सिर्फ जो हमें बता दिया गया है वहाँ तक सीमित ना रहें, बल्कि सवाल पूछें, और सवाल ही ना पूछें, अपनी बात को भी बेहिचक आगे रखें। तो आगे निवेदिता जी राष्ट्रवाद के बारे में तो बात करेंगी, और मैं अपनी बात दो छोटी कविताओं के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। तो ये दो कविताएं हैं, हालांकि ये शिक्षा से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, परंतु हमारा जो आज जिस तरह के समय में हम जी रहे हैं, शायद उसकी तरफ कोई इशारा करती हैं। तो पहली कविता है 26 जनवरी 2017। गणतंत्र ने बारिश को माफ कर दिया, माफ कर दिया काले घने मेघों, सर्द हवाओं को, राजधानी के पेड़, चुक्का पनिया कंजू चमरोड शोर करते हवाओं को राजपथ की ओर धकेल रहे हैं, पर उसके सिपाही कदम से कदम मिलाते बढ़ते आ रहे हैं। टैंकों पर बैठे जवान सलामी लेते बारिश पी रहे हैं, बूटों की कदम ताल, जहाज़ों की उड़ानें, घोड़ों की टापें, राज्यों की झांकियां, बच्चों के नाच, जाबाजों के करतब, हजारों हजारों बंदूकें सलामी देती हुई राष्ट्र के कोने कोने पहुंचेंगी। हजारों जो परेड देखने आए हैं और वे जो उसे टीवी पर देख रहे हैं, रोमांचित होते बूझ रहे हैं यही राष्ट्र है। फिरन, रोगन जोश, यखनी ये कुछ खास मायने नहीं रखते, और ना ही चिकनकारी, दस्तकारी और गौण चित्र। राष्ट्र की नजर तीक्ष्ण तो है पर खुद परस्त। मणिपुर में दुनिया का सबसे पुराना नाट्य समारोह अफ्सपा की जहानत से परे है, तमाम इंतजाम के बावजूद यहाँ वहाँ एकाध तिरंगा भीग गया और खुल नहीं पाया। शुक्रिया। दूसरी कविता है, धरती को थामे शेषनाग एक विशाल केकड़े की जकड़ में आ चुका है, एक एक कर वो अब तक 56 सर गंवा चुका है, स्वयं विष्णु उसकी सहायता नहीं कर पा रहे। आधार के अभाव में सुदर्शन चक्र का पासवर्ड लॉक है और उनकी तर्जनी पर बेसुध पड़ा है। इसे कलयुग का प्रकोप जान वे चौंक कर उठ खड़े हुए तो ब्रह्मा लड़खड़ाकर उनकी नाभि के कमल से नीचे गिर पड़े। शिव की योग निद्रा चंडीगढ़ के कामदेवों ने भंग कर दी, उनका तीसरा नेत्र फिलहाल प्रशासन ने ब्लॉक किया हुआ है। शुक्रिया। वे डमरू उठा त्रिलोक की खोज खबर को जाना चाह रहे हैं पर नंदी नदारद हैं। उसे ढूंढते हुए वे जम्बूद्वीप में गौ रक्षकों से बाल बाल बचे। उधर पहलू खान को गाय की पूंछ पकड़ा वैतरणी पहुंचा दिया गया है,
इस बीच खबर ये भी है कि सावरकर कश्मीरी गेट पर टोल लेने खड़े हैं। शुक्रिया। विजया जी ने छोटी छोटी बातें एक चुनी बहुत खूबसूरती से, मगर जो अंतिम पूरे उसका देवलोक का है ना, और देवलोक आजकल नीचे आया हुआ है। सच में मैंने कई बार देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा फेसबुक में, वो बेचारा यमराज भागा फिरता है, कह रहा यमराज हूं, ये उसका जो बैल है उसको सोच रहे हैं कि यमराज से छीने, कह रहे मेरा बैल भी छीन लोगे क्या। तो वो आजकल देवलोक नीचे है सारा आया हुआ, और देवलोक के नीचे आने का मतलब होता है कि ना शंभूक सुरक्षित है ना अहल्या सुरक्षित है। जब देवलोक नीचे आता है, लोग कभी कभी कहते हैं इंद्र देवता पता नहीं कब बरसेंगे, मैं कहता हूं कि ना बरसे तो अच्छा है, गौतम ऋषि को पूछ के देखो बरसा था ना बरसे तो अच्छा। तो अब आपके बीच में जो हमें सबसे ज्यादा ताकत दी है इस आंदोलन को, मैंने पहले भी कहा बहुत सारी कड़ियों को जोड़ा है ललन जी ने आदर्श परिवार के साथ, और बहुत सारे कई बार विकट स्थितियों में भी, क्योंकि पारिवारिक दायित्व भी होता है। निवेदिता जी ने कहा कि केवल पत्नी के दायित्व नहीं होते, पति के भी बराबर होते हैं, और खास तौर पर उस वक्त जब बच्चे की परवरिश करनी हो। तो वो ऐसी स्थितियों में भी ललन जी का हमें समय मिला है, गाइडेंस मिली है, और कई बार बच्चे इनके पास सीधे जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, और कभी किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि उनका समय नहीं मिला, उनकी गाइडेंस नहीं मिली। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात कहें। शुक्रिया रावण जी, जय भीम, जय वाल्मीकि। इतना सब कुछ कहने के बाद, सुनने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा कि मैं कुछ कहूं। फिर भी क्या कहूँ, आदेश हुआ है या एक दोस्ती में पैगाम भेजा है कि कुछ ना कुछ कहना है, तो मैं कुछ झांकियां आपके साथ शेयर करना चाहूँ। झांकी तो समझते हैं ना।